जय माता दी। दोस्तों, मैं हूँ सरिता और मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये बात तो आप सभी जानते होंगे कि नवरात्रि में लहसुन और प्याज का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाता है, लेकिन बहुत से लोगों के मन में ये सवाल आता होगा कि आखिर नवरात्रि में लहसुन प्याज क्यों नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर किसी भी व्रत में लहसुन और प्याज का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता है? इसके पीछे क्या पौराणिक कथा है और क्या साइंटिफिक रीजन है? इन दोनों ही बातों के बारे में आज मैं आपको बताने वाली हूँ। दोस्तों, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें सनातन धर्म में बुरा माना गया है, जिन्हें हिंदू धर्म में अच्छी मान्यता नहीं दी गई है, और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ लहसुन और प्याज के बारे में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे मेरे चैनल पर अपलोड होने वाली सारी वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाएगी। और वीडियो पसंद आने पर लाइक करने के बाद कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। दोस्तों, नवरात्रि में लहसुन और प्याज का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाता है, ना ही इससे बने खाने का भोग माँ को लगाया जाता है। किसी भी व्रत में लहसुन और प्याज का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता है या इसके बने खाने का भोग देवी माँ को या भगवान जी को क्यों नहीं लगाया जाता है, इसके पीछे एक पौराणिक कथा प्रचलित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार, जब समुद्र मंथन हो रहा था तब समुद्र में से अमृत निकला था और तब भगवान विष्णु ने दानवों को भ्रमित करके वह अमृत देवताओं को पिला दिया था। उस समय भगवान विष्णु मोहिनी रूप में थे और तब उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। दरअसल उन्होंने राहु और केतु को देवता समझकर उन्हें अमृत की कुछ बूंदें पिला दी थी, जिसके फौरन बाद सूर्य और चंद्रमा ने भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, ये दोनों दानव हैं और आपने इन्हें अमृत की बूंदें पिला दी हैं। यह बात सुनते ही भगवान विष्णु ने तुरंत अपने सुदर्शन चक्र से राहु और केतु का गला काट दिया ताकि अमृत की बूंदें उनके गले से नीचे ना उतर सके। लेकिन तब तक अमृत की बूंदें उनके गले से नीचे उतर चुकी थी और तब भगवान श्री विष्णु ने दोनों का सुदर्शन चक्र से गला काट दिया। उन दोनों ही राक्षसों के खून की बूंदें धरती पर गिर रही थी। अब उनके खून की बूंदें अमृत की बूंदों के साथ मिलकर धरती पर टपकने लगी, जिससे वहां पर लहसुन और प्याज उपजे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि खून की उन बूंदों में अमृत भी था, जिससे प्याज और लहसुन के काफी फायदे भी हैं। लेकिन लहसुन और प्याज की उपज खून की बूंदों से हुई है, इसलिए ऐसा समझा जाता है कि इन्हें खाने के बाद मुंह से दुर्गंध आती है, और यही वजह है कि किसी भी व्रत में या त्यौहार में लहसुन और प्याज का प्रयोग नहीं किया जाता है। लहसुन प्याज व्रत में क्यों नहीं खाना चाहिए, इसके पीछे एक वैज्ञानिक पहलू भी है। दोस्तों, अगर वैज्ञानिक पहलू की बात करें तो हमारा जो भोजन है, हमारे खाद्य पदार्थ को तीन भागों में बांटा गया है, सात्विक, तामसिक और राजसिक भोजन। दोस्तों, सात्विक भोजन के बारे में तो आप सभी जानते होंगे कि सात्विक भोजन में शांति, संयम और एकाग्रता बढ़ाने की शक्ति होती है, इसलिए किसी भी त्यौहार में या व्रत में सात्विक भोजन का ही प्रयोग किया जाता है, जिससे व्रत के दिन में हमारा मन शांत रहे और पूजा अर्चना में हमारा मन लगा रहे। वहीं दूसरी ओर राजसिक भोजन जो होता है वो खुशी बढ़ाने की शक्ति प्रदान करता है, इसीलिए जब भी कोई समारोह होता है या जब भी कोई खुशी सेलिब्रेट करता है तब राजसिक भोजन का ही प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं तामसिक भोजन के बारे में। दोस्तों, तामसिक भोजन क्रोध, जुनून, विनाश, अहंकार जैसी तामसिक भावनाओं को बढ़ाने की शक्ति उत्पन्न करता है। तामसिक भोजन में लहसुन और प्याज का इस्तेमाल जरूर होता है, इसीलिए लहसुन और प्याज को इंसान में सबसे निचले दर्जे की भावनाओं को उत्पन्न करने की शक्ति होती है, जैसे अहंकार और उत्तेजना। आयुर्वेद के अनुसार यही वजह है कि किसी भी व्रत में या त्यौहार में लहसुन और प्याज का प्रयोग नहीं किया जाता है, और यही वजह है कि पौराणिक काल से ही ब्राह्मण अपने खाने में लहसुन और प्याज का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करते हैं। दोस्तों, यहाँ तक कि बहुत से ब्राह्मण तो ऐसे हैं जिन्हें आज तक यह भी नहीं पता कि लहसुन और प्याज का स्वाद कैसा होता है। दोस्तों, यह थी जानकारी लहसुन और प्याज के बारे में। जिन लोगों के मन में यह सवाल आता होगा कि आखिर लहसुन और प्याज का प्रयोग किसी भी व्रत या त्यौहार में क्यों नहीं किया जाता, उम्मीद करती हूँ उनके सवालों का जवाब इस वीडियो में आपको जरूर मिल गया होगा।
दोस्तों उम्मीद करती हूँ मेरे द्वारा बताई गई ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करने के बाद कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें।